दोस्तों अभी मैं ऊपर से आ रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए मुझे बुलाया गया कि भाई एक इमरजेंसी लाइट चाहिए, तो आज के समा को रंगीन बनाने के लिए मुझे बुलाया गया है आप लोगों के सामने। दोस्तों अभी मैं ऊपर से आ रहा हूँ, एलुमनाई मीट चल रही थी, मैं वहाँ से बीच में छोड़ के आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। मैं ऊपर अपने 4 सालों को याद कर रहा था। दोस्तों आप जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, मैं इसी कॉलेज का पास आउट हूँ। बस हमारे लिए इतनी सी ताली। चलिए दोस्तों आपको मेरी कॉलेज की यादें ताजा करवाता हूँ, कई बातें सुनाता हूँ, कई नगमे सुनाता हूँ। ऊपर भी अभी कुछ सुनाया जो सुनाऊंगा, और बाकी आज तो सिर्फ ट्रेलर दूंगा, कल पिक्चर दिखाऊंगा आपको। दोस्तों मैं यादें ताजा कर रहा हूँ, अभी मैं मेरे साथ समीर आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हम टीवी आर्टिस्ट हैं, हमारे बीच में है समीर पहाड़िया, मेरे दोस्त हैं, आज मेरे साथ आए। इन्होंने मुझे आते वक्त बोला कि यार कुछ वो प्रेम प्यार इश्क की कविता सुनाइए, क्योंकि ऑडियंस भी वही है, वो यही सुनना चाहती है। पर समीर एक जवाब देना चाहूँगा कि मैं ये प्रेम प्यार इश्क मोहब्बत की कविताएं क्यों नहीं सुनाता। दोस्तों उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये कारण है एक तो अपनी इतनी हाइट नहीं, एक तो अपनी इतनी हाइट नहीं, ऊपर से कलर देख लो एकदम वाइट नहीं, एक तो अपनी हाइट नहीं ऊपर से कलर देख लो वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट है और शरीर के ऊपर फैट है, और तो और डंका नहीं है थोबड़ा, अब बताओ कैसे मरे हमारे ऊपर कैटरीना और प्रियंका चोपड़ा। तालियां तो अगली पंक्ति पर बजेगी कि आजकल की लड़कियां, जी हाँ दोस्तों आजकल की लड़कियां लड़कों को कपड़ों की तरह खूंटी पर टांगती है। अरे आजकल की लड़कियां लड़कों को कपड़ों की तरह खूंटी पर टांगती है, खुद भले ही सुरपणगा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मानती है। ये काफी समर्थक है मेरे। तो दोस्तों जब अपने अंदर ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फालतू में अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा। ये फोटोग्राफर वो कौम होती है दोस्तों जिनको लोगों के घरों में ताक जाक करने की आदत हो। एक तो वो चला गया अभिषेक वर्मा, उसको तो मैं कहता था कि भाई तू बड़ा ही गिरा हुआ इंसान है, यहाँ नीचे गिर गिर करके वो खूब फोटोग्राफी करता था। एक बार तालियां बजाएं अभिषेक के लिए, आज वो बहुत अच्छी जगह पर है। मैं ऊपर अपने दोस्तों कॉलेज की यादें ताजा कर रहा था, तो मैं याद करते हुए एक कविता सुना करके आया जो आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूं, कि मैंने इस कॉलेज में आने के बाद पहली कविता लिखी थी अपने किसी दोस्त के लिए। शायद उस चीज के बीमार यहाँ कई लोग बैठे हैं, तो उन सभी आशिकों के लिए, नाकाम आशिकों के लिए। दोस्तों मैंने उसको भूत उतारने के लिए लिखी थी, आप लोगों के सामने रख रहा हूं, कि बैठा 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 नदी के तीर पर कर रहा इंतजार। ये सब आशिक के बीमार हैं। अरे बैठा नदी के तीर पर कर रहा इंतजार, ना हवा का रुख इधर ना पानी की धार, पंछी दे रहे संकेत आ रहा तेरा प्यार, पंछी दे रहे संकेत आ रहा तेरा प्यार, मिट रही है दूरियां बढ़ रहा इंतजार, धड़कने हुई तेज मन में उठा ज्वार, लगा मौसम हुआ सुहाना छाने लगी बहार। दोस्तों अब तक तो था वो इंतजार में, फिर मैंने उसे असलियत समझाई उसकी जुबानी कि फिर समझ आया मुझे कैसे करेगी नदियां पार, फिर समझ आया मुझे कैसे करेगी नदियां पार, आएगी कैसे इधर जब उधर ही उसका संसार, आएगी कैसे इधर जब उधर ही उसका संसार, अरे ना इधर कोई चमन है ना इधर कोई बहार। वो हाथ ऊपर कर रहा है भाई तेरी कहानी तो नहीं है कहीं। अरे ना इधर कोई चमन है।